अगर हमें मर्यादित दूध नहीं मिले तो फिर हमें क्या करना है? मैं बताती हूँ ना तुम्हें, अब दो तरह के दूध तो अभी बता देती हूँ, लेकिन मेरे पास अपने पास सोयाबीन है, बादाम है, सिंगदाना है, और भी बहुत सारी चीजों के रागी है, इन सब के दूध बनते हैं। अरे वाह, कैसे बनाएंगे? अभी मैं बनाना बताती हूँ। आज हम दो तरह के दूध बनाएंगे, एक सोयाबीन से और बादाम से। ये सोयाबीन के दाने हैं, इन्हें हमने गर्म पानी करके ठंडा करके और फिर उस पानी को हमने सोयाबीन को हमने रात भर भिगाया है। इसी तरह बादाम को भी हमने गर्म पानी करके ठंडा करके पानी भिगा दिए हैं और ये बादाम को हमने छील लिया है। अब हम पहले बनाएंगे बादाम का दूध। तो बादाम के दूध के लिए पहले हमें ये जो भिगे हुए बादाम हैं इन्हें मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है। मम्मी जी, ये मैंने बादाम इसमें किशमिश और इलायची डाल के इसका पेस्ट बना लिया, अब क्या करना है? बस अब इसको है ना, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको छान लेंगे। इसी में डाल दूं पानी? हाँ। हमने ये 12-13 बादाम ली थी, इसका 2 गिलास दूध बन जाएगा। इसे कपड़े में डाल के और हाथ से दबा के ऐसे हमने छान लिया है। अब ये दूध तैयार हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही फटाफट तैयार हुआ। अब इसको आप चाहो तो गर्म करो, चाहो तो ठंडा रख के, ठंडा करके भी पी सकते हैं। इसमें किशमिश डाल के लिए हमने किशमिश डाली है और इलायची पाउडर पेस्ट के लिए डाल दिया। और अगर और ज्यादा मीठा चाहिए तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। इसमें गुड़ डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। तो अब ये हमारा बादाम का दूध तैयार है, एकदम बढ़िया पौष्टिक। सोयाबीन डाल दिया है मिक्सर में मैंने, अब इसमें और क्या डालना है? इसमें थोड़ी किशमिश डालो, मीठा इलायची पाउडर इसमें भी डालना है और खारिक पाउडर अगर चाहो तो खारिक पाउडर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसका पेस्ट बना। मम्मी जी, ये मैंने सोयाबीन भी पीस दिया है, इसमें भी किशमिश और अपन इलायची पाउडर डाल, इसे भी बादाम दूध की तरह ही छानना है। बादाम के दूध की तरह इसको भी छान लेना है और पानी डालो इसमें भी, 2-3 गिलास पानी, 4 गिलास। एक कटोरी दूध, आधी कटोरी सोयाबीन में चार गिलास दूध बन जाएगा। अब इसमें चाहे तो गुड़, खांड कुछ भी डाल सकते हैं, इसको भी ऐसे छान लेना है। कपड़े से दबा दबा के इसे भी छान लेना है। और हाँ, इसमें एक ये भी हम कर सकते हैं, ये जो हमने बादाम का दूध बनाया था तो छानने के बाद जो कपड़े में बचा है ये बादाम का ही पाउडर है, तो इसे हम कोई भी मिठाई बनाते हैं, खोपरे की बर्फी या बेसन की बर्फी, ये बादाम का पाउडर हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। सोयाबीन का और बादाम का दूध तैयार है। अब ये प्रोटीन युक्त पौष्टिक दूध है, इसे हम दूसरे दूध की जगह पे वापर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। जय जय।